अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब तो अकल आ गई होगी तुम्हें कि तुम जितना मेरा सर सामने लाने की कोशिश करोगी उतनी ही ज्यादा बदनामी होगी तुम्हारी। बस एक अंतिम गुजारिश है तुमसे, तुम्हारे लिए मैंने रिश्ता देखा है, लड़का बहुत अच्छा है, उसे लड़का कहेंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि दो बच्चों का बाप है। उसकी जवान बीबी सीढ़ियों से गिर के मर गई, पुलिस रिपोर्ट में तो ऐसा ही लिखा है। बाकी वैसे और कोई कमी नहीं है, बस कभी कभी शराब पीकर अपनी बीवी के साथ मारपीट करने की आदत है उसे, इसीलिए दूसरी शादी कर रहा है। उसके साथ रहोगी तो अकल और जुबान दोनों ही ठिकाने लग जाएंगे। छोटी माँ, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम अब भी आपको छोटी माँ बुलाते हैं, पर इंसान के बदल जाने से रिश्ते थोड़ी ना बदल जाते हैं, है ना छोटी माँ? आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमारे साथ हमारे भोलेनाथ हैं। जब उन्होंने आपके भेजे हुए इतने गुंडों से हमारी जान बचाई, तो उस एक गुंडे से जान बचाई लेंगे। खुश रहने की आदत है ना तुम्हारी, बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए ना तो ये मौली रहोगी ना मस्त मौली। ठाकुर साहब आप तैयार हो जाइए, मैंने मौली के लिए जो लड़का देखा है वो घर आने वाले हैं। मना कर दीजिए हमको। पर ठाकुर साहब बहुत ज्यादा मनाने पर तैयार हुए हैं मौली से रिश्ते के लिए। राजकुमारी जी, हमने फैसला कर लिया है, उस लड़की की शादी होगी तो सिर्फ बिहान से होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? जिन लोगों ने हमारी इतनी बेइज्जती की, हमारे एहसानों के बदले हमारा अपमान किया, उस घर में हम रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? ये रिश्ता नहीं, एक सबक है। बिहान और उसके परिवार ने जो हमको ठेस पहुंचाई है उसकी कीमत तो उनको चुकानी होगी। पापा, पापा, पापा प्लीज, पापा, पापा प्लीज, ऐसा मत करिए। बिहार सिर्फ हमारा दोस्त है, हम उससे शादी नहीं कर सकते हैं पापा। क्यों नहीं कर सकती शादी? क्योंकि तुझे हमारी बदनामी करानी है और वो अभी जबरदस्ती। महेन ठीक कह रहा है बहू, हमें उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा, इसलिए मौली की शादी होगी तो सिर्फ बिहान से। राजकुमारी जी, शादी की तैयारी कीजिए, चाहे जैसे भी हो शादी तो आज ही होगी। नहीं 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 पापा, पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। पापा जिससे चाहे उससे हमारी शादी करवा लीजिए, पर बिहार से नहीं,
छोटी माँ, आपने हमारे लिए कोई रिश्ता देखा था ना, हम उस लड़के से शादी कर लेंगे। जब पापा की बेटी बनकर इस घर से विदा हो जाएंगे। विदाई तो होगी तुम्हारी, लेकिन प्यार से नहीं, नफरत से विदा करेंगे तुम्हें। अठारह साल पहले जो कसम खाई थी, उसको सिर्फ हम मंडप तक निभाएंगे। तुम्हारी वजह से हमने अपनी सुधा को खो दिया, हमने बेटे को खो दिया। अब जब तक ये शादी के लिए हाँ नहीं कर देती, मैं ये पट्टी नहीं उतारूंगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। माँ, इसको रूम में बंद कर दो, ताकि ये और कोई गड़बड़ ना कर पाए। नहीं नहीं ना पापा, प्लीज पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए पापा। जा रहे जमाना, ये मौली के चक्कर में ना ये लड़का यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। अरे तुमको जो कुछ भी साबित करना है ना, अरे यहाँ से जाने के बाद साबित कर लेना। आप समझ नहीं रही हैं, हम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे रोके हमें शादी? ना पापा सुनने को तैयार है, ना दादी। पर बोले ना, अब तो सबकी सुनते हैं ना, प्लीज हमें भी कोई रास्ता बताइए ना, प्लीज भोलेनाथ। हाँ समझ गए हम, टाकू टाकू कैसे कैसे कराओगे हमारी शादी? हम तो है मस्त मौली, मस्त मौली। जय भोलेनाथ। जहां हम इतने साल तक रहे, जिन लोगों के बीच हम सर उठा के जिए, वहां से ऐसे सर झुका कर नहीं जाएंगे। मां, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस थोड़ा सा वक्त दे दो। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, चाकू से लेके इसका कत्ल करके ना फांसी पे चल जाएंगे। सुलक्षणा, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रही हो माँ? बिहान मत रोको चाची को, चाची ये लीजिए, मार लीजिए हमें। क्या करो बेटा? कहे कि हम मर जाएंगे तो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। हम जानते हैं चाची, हमारी वजह से सब गड़बड़ हो गया, पर अब हम सब ठीक कर देंगे। बिहान, पापा ने हमारे रिश्ते को अपनी इज्जत पर ले लिया,
उन्होंने ये फैसला किया है कि उस लड़की की शादी होगी तो सिर्फ बिहान से होगी। बिहान और उसके परिवार ने जो हमको ठेस पहुंचाई है उसकी कीमत तो उनको चुकानी होगी। अच्छा तो ठाकुर साहब की ठाकुरेती जाग गई है, जबरदस्ती हमरे बिहान की शादी करेंगे। देख लिया अपने दोस्त का बड़प्पन। चाची चाची आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक प्लान है। पर मौली हमें ये बताओ कि तुम काहे हमारा साथ दे रही हो। नैना भाभी हमने तो बस जन्म लिया है इस घर में, बाकी हमारे सगे तो आप लोग ही हैं। और हमारा सबसे अच्छा दोस्त यार, अब और किसका साथ देंगे हम यार? ना तुम यहाँ रहोगे और ना ही ये शादी होगी। दीपक भैया अब बिहान को लेकर यहाँ से कहीं चले जाइए। वैसे भी कल इसकी परीक्षा है और पापा की नजरों से 8-10 दिन दूर रहेगा तो शायद ही बवंडर शांत हो जाए। पहली बारी लड़की पति के बात की है। बेटा एक काम कर, दीपक तू ना अब बिहान को लेकर ना उधमपुरा चला जा अपने मामा के पास। जाओ। और दीपक भैया पीछे के रास्ते से जाइएगा, पता नहीं सामने के रास्ते से पापा के लोग कब आ जाए। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा प्लान। अब ये सब नहीं चलेगा, बड़े बाबूजी से मैं बात करूंगा। नहीं बिहान, बिहान पिछले 18 साल से पापा ने हमारी बात नहीं मानी, अब वो कैसे तुम्हारी बात मान लेंगे? प्लीज बिहान बस आखिरी बार अपनी इस दोस्त की बात मान लो, प्लीज। मौली इस प्रॉब्लम में मैं तुमको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। बिहान तुम्हें हमारी कसम है, बिहान तुम्हें हमारी कसम है, बिहान तुम्हें हमारी कसम है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।